आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों के नींबू के पौधे में यदि फल नहीं आते हैं तो उनके पौधे में फल कैसे आएँ। और बहुत लोगों के साथ ये समस्या होती है कि फूल आ जाता है तो लेकिन फल बनने से पहले वो गिर जाता है, तो हम फूलों को गिरने से कैसे रोक सकते हैं और ज़्यादा फल हम कैसे पा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, इंडिया ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों के नींबू के पौधे में फल क्यों नहीं आते हैं, यदि फूल आ जाता है तो लेकिन फल बनने से पहले वो गिर क्यों जाता है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि लगातार हम अपने नींबू के पौधे में पानी डालते रहते हैं। तो नींबू के पौधे में ज़्यादा पानी जहर के समान होता है, तो नींबू के पौधे में आप ज़्यादा लगातार पानी न डालें। आप अपने नींबू के पौधे में जरूरत अनुसार पानी डालें या मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। इसके अलावा नींबू के पौधे की 15 दिन में एक बार हमको गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से नींबू के पौधे में पोल बन जाती है, पौधा तेज़ी से ग्रो करने लगता है। इसके अलावा नींबू के पौधे को धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे पौधे पर जितनी धूप आएगी उतनी ज़्यादा हमारा नींबू का पौधा ग्रोथ करेगा और फूल फल के लिए तैयार होगा। तो नींबू के पौधे को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे नींबू के पौधे पे ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 घंटे की धूप तो आती रहे। हमारे इस नींबू के पौधे को दोस्तों आप देख रहे हैं, देखिए काफ़ी घना पौधा है और इसमें फल भी बने हुए हैं। अगर आप लोगों के नींबू के पौधे में फल नहीं आ रहे हैं, आपका पौधा बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उस पौधे की ऊपर से आपको प्रूनिंग कर देनी है जिससे उस पर नई ग्रोथ होगी और उसमें फूल फल भी आने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे से गमले में जो नींबू का पौधा लगा हुआ है इसमें भी फल हैं। तो अब हमको क्या करना है, हम इसकी सबसे पहले गुड़ाई करेंगे जिससे कि हमारे पौधे को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और हमारे नींबू के पौधे में ज़्यादा फल भी आने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने नींबू के पौधे में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पौधे की गुड़ाई करेंगे। हमने यहाँ पर एक टूल लिया हुआ है, हम एक टूल की मदद से यहाँ पर नींबू के पौधे की गुड़ाई कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार के टूल से आप नींबू के पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, हमने इस पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी है। 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही इस पौधे को छोड़ देंगे जिससे कि जो मिट्टी है हमारे नींबू के पौधे की उसमें हवा जा सके। तो देखिए, अब मैं अच्छी तरीके से इसमें एक बार हाथ चला देता हूँ जिससे कि इसमें हवा जाएगी तो हमारे नींबू के पौधे की मिट्टी और ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। जब तक हम इसके लिए जान लेते हैं फर्टिलाइज़र। नींबू के पौधे में ज़्यादा फूल फल आने लगें इसके लिए आज हम दो चीज़ इस्तेमाल करेंगे। दो चीज़ों से आपके नींबू के पौधे में फूल फल आने लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हमने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया हुआ है और 1 लीटर पानी में हम इस्तेमाल करेंगे गुड़ यानी कि जायगिरी। 1 लीटर पानी में हम केवल इसको 10 ग्राम इस्तेमाल करेंगे अपने नींबू के पौधे के लिए। तो देखिए, हमने 1 लीटर पानी लिया हुआ है, इसमें से केवल 10 ग्राम हम इसमें से गुड़ इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे नींबू के पौधे के लिए बेहतर फर्टिलाइज़र बनेगा। इसे डालने से नींबू का पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है, फूल गिर जाते हैं तो इससे फूल नहीं गिरेंगे नींबू के पौधे के, और पौधे में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो ये फूलों का भी काम करता है, इससे ज़्यादा फूल आने लगते हैं। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर लिया डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP। DAP के 8 से 10 दाने हम 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे। इसे डालने से नींबू का पौधा बहुत ज़्यादा फल देता है, फल का साइज बड़ा हो जाता है और पौधे में मॉइस्चर बना रहता है। तो देखिए, 8 से 10 दाने के करीब हमने इसमें डाल लिए हैं और इसे लगभग हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे हमारा ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाए। तो 1 घंटे बाद हम इस फर्टिलाइज़र को अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल कर लेंगे। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और हमारा ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुका है। अब इस फर्टिलाइज़र को हम अपने नींबू के पौधे में डाल देंगे क्योंकि नींबू के पौधे को बहुत ज़्यादा
फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है जो कि इस फर्टिलाइज़र में मौजूद है, यानी कि पोटाश की मात्रा सबसे ज़्यादा नींबू के पौधे के लिए ज़रूरी है, तो इसमें पोटाश और फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए ये फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया है, तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र से आपके नींबू के पौधे में फल आने लगेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे और लोग इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों मैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। थैंक यू।